Now good morning to all students. In this class I will give information about the democracy in Sri Lanka. As you know that nowadays in this world democracy is the most preferred form of the government. But in democracy also the success rate are quite varied in different countries wherever it is adopted. Because two major principles are in democracy on which the fate of this democracy depends. These two principles in earlier video I have told you perhaps that one of the major tyrannianism and the next one is accommodation. Accommodation principle of accommodation and Mediterraneanism. In previous video I have told you that Belgium, a country of Western Europe, even if is quite diversified ethnically, yet the success rate of democracy there is very high. It is one of the most developed country of the world. But just reverse the case is in Sri Lanka. How had it happened really? We are studying nowadays, today, and get some valuable information about the condition of Sri Lanka, democracy, really condition of democracy. अगर देखें इसका geographical position है तो सम 100 miles away to the south of the southernmost place of Indian mainland. भारत का जो दक्षिणी भाग है मुख्य भाग का उससे लगभग 1200 किलोमीटर या 800 miles के आसपास ये इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री और इसकी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ के आसपास है अबाउट 2 करोड़. ये श्रीलंका इट वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज आवर इंडिया वाज. आवर कंट्री इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड आफ्टर वार्ड 1 ईयर श्रीलंका आल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948. आफ्टर गेटिंग फ्रीडम डेमोक्रेसी हियर आल्सो अडॉप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. And what happened in this democracy of Sri Lanka due to the ethnic composition of Sri Lanka? Sri Lanka को अगर हम ठीक से देखें उसका स्टडी करें एनालाइज करें उसके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को तो फॉलोइंग फीचर्स आर नोट वर्दी. अगर देखेंगे तो एथनिकली लैंग्वेज के आधार पर भी इसमें जो है मल्टी लिंगुअल ग्रुप है और रिलीजन के आधार पर भी जो है मल्टी रिलीजियस ग्रुप है यानी कि एथनिसिटी यहाँ क्वाइट डाइवर्स है. अगर देखें तो यहाँ जो पॉपुलेशन है लैंग्वेज के आधार पर देखेंगे तो सिंगल स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका 74% वाइल तमिल स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका देर इज 18% एंड 7% अदर्स. दैट मीन्स 7% पीपल used to speak some other language and the other language speaking persons are generally Christians and those Christians are converts from the Tamil or Sinhala group. But in Sinhala speaking people 74% the major chunk in Lankan population the major group is Buddhist. Buddhism follow karne wale jo hain Buddhist log वो सबसे अधिक संख्या में है एज ए रिलीजियस ग्रुप और इसी सिंगल स्पीकिंग पीपल के तहत कुछ क्रिश्चियन लोग भी हैं. जबकि अगर तमिल लोगों में देखें तो यहाँ कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है. कंडीशन डिफरेंट है मतलब है कि तमिल पीपल फ्रॉम सेंचुरीज हैव स्टार्टेड टू सेटल इन श्रीलंका इवन बिफोर द मौर्यन एम्पायर देयर वेयर द ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका. So, Tamil people generally used to go to Sri Lanka, settle there
और इस तरह से सेटल करते हुए 13% ऑफ इन्हें नेटिव, इन्हें जो कहा जाता है नेटिव तमिल, तमिलियों में दो ग्रुप है, वही नेटिव तमिल और इंडियन तमिल्स, नेटिव तमिल्स और दोज तमिल विच हैड बीन हियर रियली सेटल्ड फ्रॉम सेंचुरीज अगो। और ये दूसरा ग्रुप है ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, दी तमिलियंस देयर फोर फादर्स रियली वेयर सेट देयर फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन द टी गार्डन्स और अदर प्लांटेशन गार्डन्स एंड देयर पॉपुलेशन इन डेमोग्राफिक कंफिग्रेशन 5%। रिलीजियस ग्रुप में अगर इसको देखें ए तमिल स्पीकिंग पीपल को, तो ए हिंदूज भी हैं इसमें, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी, हालांकि जो मेजोरिटी इसकी है वो हिंदू लोगों की है। मेजोरिटी ग्रुप अमंग तमिलियंस एज ए रिलीजियस ग्रुप हिंदूज आर द लार्जेस्ट ग्रुप एंड आफ्टर ऑल मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन श्रीलंका एथनिक डाइवर्सिटी इज क्वाइट कंसिडरेबल एट द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तमिल स्पोकन, सिंगल स्पोकन, टू मेजर ग्रुप्स आर हियर, वन इज इन मेजोरिटी एंड अदर वन इज माइनॉरिटी। अगर रिलीजियस ग्रुप में अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स फोर रिलीजियस ग्रुप्स आर फाउंड हियर। Now, the next. Now, you can see whatever the change after getting freedom in Sri Lanka was notable. The first, since there the majority group was single spoken, and the leaders were also very much biased to follow their Mediterranean attitude. So they added and adopted some Mediterranean measures in principle and introduced in governance. Most important of those, some of are mentioned here. The one, single language was declared the state religion. That means the it was declared सिंगल लैंग्वेज वाई डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब यह है कि श्रीलंका के सरकारी काम जितने भी होंगे, ऑफिस से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, वो सिर्फ सिंगल भाषा में ही परमिटेड थे, अलाउड, और इन प्लेस किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल अलाउ नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हो गया, वॉट रियली इट रिजल्टेड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब और इन यूनिवर्सिटी अंडर एजुकेशन। नाउ सिंगलिश वेयर प्रिफेयर, दो वेयर रिक्रूटेड, बट तमिल्स वेयर इग्नोर्ड, दे डिड नॉट रियली गॉट ए चांस अपॉर्चुनिटी टू बी एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी और रिक्रूटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। आई हैड रियली क्रिएटेड ए ग्रेट discontent, dissatisfaction in Tamil groups. The next step was, that was very important, Buddhism was declared as Rajdharm. That means religion of a state, जैसे हमारे बगल में पाकिस्तान में वहाँ का जो state religion है वो इस्लाम है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को वहाँ के सरकारी धर्म के रूप में मान्यता दे दी गई, स्टेट रिलीजन बना दिया गया, जिसे दूसरे रिलीजियस ग्रुप काफ़ी ह्यूमिलिएटेड फील करने लगे, क्योंकि बुद्धिस्टों को स्टेट का प्रोटेक्शन मिलने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, व्हाट वाज रियली द रिजल्ट वाज तमिल स्टार्टेड प्रोटेस्ट ऑल अराउंड वेयर एवर दे वर कंसंट्रेटेड, mostly they were concentrated in northern part of Sri Lanka, especially in Jaffna Peninsula and eastern part of Sri Lanka. There, they started to raise their demands
for declaration of Hindi language, Tamil, also as an official language. उनकी डिमांड ये बढ़ने लगी, उन्हें लगने लगा कि हम अब जो उचित शेयर है हमारा राज्य में टैक्स देते हैं, वहाँ तो नागरिक हैं, तो उन्हें सरकारी सुविधा और अवसर से अगर जो वंचित किया जा रहा था इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, ये कहीं से जस्टिफाइड नज़र वहाँ के तमिलियन ग्रुप को नहीं नज़र आ रहा था। तो शुरू शुरू में इन बिगिनिंग रियली पीसफुल प्रोटेस्ट वेयर आर स्टार्टेड, पिटिशंस वेयर पुट बिफोर द लीडर्स, बिफोर द गवर्नमेंट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द डिमांड, बट नॉट हर्ड बाई द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसने सुना नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा इतना बुरा हुआ कि सारी दुनिया ने देखा। वॉट वॉज द रिजल्ट, वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस दीज मेजोरिटेरियन मीजर्स इन श्रीलंका? यू कैन सी दैट इन दीज टर्म्स, now we can see the bad impacts of Mediterranean measures introduced in governance in Sri Lanka. The first was that Tamilian groups, Tamils living in Sri Lanka, now very much dissatisfied, have started demonstration, protests and put demands for making Tamil an official language, but after denying several times the denial of the demand, this Tamil society was filled with anger, anguish and shame. So the violent group now taken the lead. In leadership of LTT, Liberation of Tamil Tiger Elam, और इनकी सीधी सी डिमांड थी क्या? तो एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम। दे नाउ स्टार्टेड टू डिमांड ए सेपरेट नेशन, सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड फॉर दैट इंसर्जेंट इंसिडेंट्स filled with violent measures were seen common now in Sri Lanka, and it had really caused a great loss of life and property in Sri Lanka for a very long period. After 1980, really there was a complete chaos in Sri Lanka, and its bad impacts were seen even in neighboring country, in our India also. And in this process to keep their peace and should have a compromise, where our Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi had tried his best, he was really brutally murdered by revolutionaries of LTT. So another country also, neighboring country, had to bear the brunt of this Mediterranean measures taken by Sri Lankan government. तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि जब on the cost of the minority, majority को dominate करने का अवसर दे दिया जाता है, तो वो कहीं से भी बेहतर रिजल्ट नहीं देता। Interest of everyone must be contented, must be entertained in the democracy. It is the very norm of democracy. लोगों का शासन है, लोगों से मतलब, none should be left. Whatever the population, what belonging to any group, religious or any language group, has a right to be contented, to be heard by the government, and their grievances must be heard and entertained. If it is done, the country generally
progress, develops, and their HDI, Human Development Index, nowadays we can find it is in a very satisfactory manner. But wherever these humanitarian measures are adopted, minority are ignored, then there is a civil war like condition. The civil war is really prolonged very long period in Sri Lanka from 1980s to even the end of the first decade of the 21st century in Sri Lanka, caused millions of people. They died. Even the Sri Lankan government's high officials and the president, prime minister were killed in the violent measures, violent activity, insurgent activity brought by LTT. Dono pachho ki hani hui, dono side barbaad hui. The condition of Sri Lanka was really ruined due to this civil war. Civil war vastav mein jo condition jo hota hai, kya hai? Violent conflict within a state among two rival group which create internal insurgency in a state. जब किसी राज्य में आंतरिक अशांति हो जाती है, खास करके दो ग्रुप होते हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अगर ये आपस में हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार के कंडीशन या वार लाइक कंडीशन होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक शामिल होती है डायरेक्टली, इसलिए सिविल वार कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिटेरेनियनिज्म का काफी बुरा प्रभाव पड़ा श्रीलंका में और दुनिया में, जहां कहीं भी आज भी मेडिटेरेनियन मेजर्स अपनाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, वहां डेमोक्रेसी अच्छे कंडीशन में नहीं है। देयर डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड कंडीशन, लेकिन जहां कहीं भी एडाप्टिबिलिटी यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एकोमोडेशन को अपनाया गया है या अपनाया जा रहा है, वहां देयर इज द डेवलपमेंट, देयर इज द पीस, देयर इज द प्रोग्रेस। इन अनदर वीडियो आई विल put some information about the principle of accommodation which was brought into Belgium, on which principles they are now working and they were introduced. So now this video is finished and we will meet again in the next video. Thank you.